जे उस नूं देखिए तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब ये साडा टूर बनन वाला गा, बहुत ही सोहनी चीज बनन वाली आ। अगे चल के आपां होर भी देखदे आ किहो जिहा माहौल आ, इह किहो जिहा सीन आ। देखो सी जिहड़े बदल ने पहाड़ां ते इक वखरा ही नज़ारा पेश कर रहे ने, मनमोहक दृश्य जिहड़ा उह बना रहे ने, मन ऐन गदागद हो रहा गा इन्हां दृश्यां नूं देख के। जलंधर टप्पे ते बरसात शुरू हो गई जी, मौसम पूरा सुहावना होया पिया गा। पठानकोट जिहड़ा इस टाइम 60 किलोमीटर पिछे आगे। सत श्री अकाल दोस्तो, लौंगोवाली आ गोबिंद सिंह पेज ते स्वागत है जी। दोस्तो अज चाले पाए आपां डलहौजी नूं, सवेरे करीब 7:30 बजे लौंगोवाल तो चले सी, अपने नाल साडे वड्डे वीर अमृतपाल सिंह सिद्धू जिहड़े हलका इंचार्ज ने श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे, भाई सुखचैन सिंह अतला, भाई सुखवीर सिंह साजनी। तो चलते हैं दिखाने थोनों डलहौजी के खूबसूरत नज़ारे, ये जुड़े रहो साढ़े नाल, धन्यवाद। जलंधर क्रॉस करे हां ते मौसम पूरा सुहावना हो गया, बारिश दी जिहड़ी पूरी संभावना बनी हुई है, मीह किते भी पै सकदा गा, किसी भी टाइम शुरू हो सकदा। जलंधर टप्पे ते बरसात शुरू हो गई जी, मौसम पूरा सुहावना होया पिया गा। पठानकोट जिहड़ा इस टाइम 60 किलोमीटर पिछे आगे, छेती पठानकोट पहुंचांगे। बाकी अगली अपडेट आ रास्ते च दसूहा लंघ जी, गुरद्वारा गुरु नानक दरबार टक्कर साहब उस्मान शहीद दसूहा, इत्थे रुके हुए हैं। इत्थे लगभग हरेक ट्रक ड्राइवर कार वाले वीर खड़ के दर्शन करके जाते हैं। बाकी तुसीं मौसम देखो, बहुत सोहना बनया हुआ है, पूरी घैंट गलबात बनी हुई है, गुरद्वारा साहब के दर्शन भी करो। मिर्थल पार करन तो 5 किलोमीटर अगे जिहड़ा हले फिलहाल है पंजाब का इलाका, पर पहाड़ी है जिहड़ी शुरू हो गई, चढ़ाई वाला काम शुरू हो गया। देखते हैं हुण अगे माहौल किवें जा, कच्चियां पहाड़ियां जिहनूं कह दिंदे आपां, उहनां दा हुण सफर कर रहे हैं, आनंद माण रहे हैं सोहणे पहाड़ी सफर दा। लो वी दोस्तो, पठानकोट जिहड़ा पार कर लिया, श्रीनगर वाला रोड छड के हुण आपां जिहड़ा डलहौजी नूं रोड जांदा उहदे पै गए हां। मूहरे सामने जिहड़ा झाका गा बहुत ही सोहना बन रहा है, हालांकि पिछे जिहड़ा पठानकोट शहर सीगा उह पुरातन तरीके नाल ही बनया हुआ है, कोई बहुता अपडेट नहीं इस रोड ते देखण नूं मिलिया वी कोई नवां बनया हुआ। आह देखो जी, आह तगड़ी चीज़ है, बाबे दीआं गल्लां बाबा ही जाणे है। बिल्कुल सोहना झाका पक्का बनया हुआ है, तो चलते हैं अगले सफर से, देखते हैं की आ माहौल। लो जी, हिमाचल का जिहड़ा गेट ने दर्शनी गेट स्वागती गेट एंट्री कर चुके हैं। दोस्तों पठानकोट तो करीब वाले 5 किलोमीटर अगे आए हैं डलहौजी रोड से, पर इत्थे आके ऐ महसूस होंदा वी जिवें जन्नत दे विच पैर धर लिया होवे, एंट्री कर ली होवे। बहुत ही सोहना जिहड़ा व्यू बनदा गा सामने, तुसीं देख रहे हो, जिहड़ा मैं जूम करके दिखाउण दी कोशिश करदा गा। बर्फ दी चादर पहाड़ दे उत्ते, नंगी अख नाल देख के बहुत ही सोहना सीन बनया होया गा। कैमरे दी जिहड़ी अख उन्नी स्ट्रोंग नहीं होंदी जिन्नी आम इंसानी अख होंदी आ, ते देखण जरूर आओ, यह इलाका देखण वाला गा डलहौजी, जिथे तक जिहड़ा दर्शनी माहौल हैगा जे उसनू देखिए तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब यह साडा टूर बनन वाला गा, बहुत ही सोहनी चीज़ बनन वाली आ। अगे चल के आपां होर भी देखदे आ किहो जिहा माहौल आ, किहो जिहा सीन आ। देखो सी
ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਐਨ ਗਦਾ ਗਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚਾਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਐਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ।